हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2021। बात करेंगे आईटी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के ऊपर। लगातार इसके ऊपर मेरा कमेंट्री जारी रहा इन्फोसिस के ऊपर। तो आज की डेट पे इन्फोसिस की तरफ से ही अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा विस्फोटक न्यूज़ आया है, जो कि कल की डेट में इन्फोसिस के शेयर के अंदर उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और कल का दिन स्पेशली इन्फोसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्या ऐसा न्यूज़ है, चलिए देखते हैं। और उसके साथ साथ इन्फोसिस के अंदर आपका क्या स्ट्रेटजी होगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2021। फिलहाल मार्केट तो आज बंद है, बट कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है। तो कल की डेट पे दोस्तों इन्फोसिस की शेयर के ऊपर हम सभी का नज़र रहेगा, स्पेशली इन्फोसिस की शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ऐसा ही कुछ न्यूज़ आया है दोस्तों, याद होगा आपको इन्फोसिस के अंदर लास्ट कुछ टाइम से मैं आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का राय दिया था, क्योंकि इन्फोसिस का शेयर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन पर चल रहा था। तो चलिए टेक्निकल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगा आपका। सबसे पहले हम न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या न्यूज़? अब ये न्यूज़ दोस्तों अभी एक घंटा पहले ही आया था। मैं आपको एकदम गर्मा गर्म न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज़ का अपडेट है दोस्तों, आज की डेट पे लगभग एक घंटा 15 मिनट पहले, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे ठीक एक घंटा 15 मिनट पहले का ये न्यूज़ है, 22 अगस्त 2021। न्यूज़ का हेडलाइन दोस्तों आपके सामने है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सुमंस इन्फोसिस CEO मिस्टर सलील पारिक ओवर न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ग्लिच। दोस्तों, जो IT डिपार्टमेंट ने इन्फोसिस को ये प्रोजेक्ट दिया था उसके ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हमें देखने को मिला था, इन्फोसिस ने पूरा उसे रिसॉल्व नहीं कर पाया। तो जिसको लेके यहाँ पे इन्फोसिस का जो प्रेजेंट टाइम CEO है मिस्टर सलील पारिक, उनको बुलाया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इसके ऊपर एकदम ट्वीट करके ये बताया। तो चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में नीचे पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल न्यूज़ क्या है और क्या ट्वीट किया गया है जो IT डिपार्टमेंट की तरफ से। तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज सुमंड, मतलब बुलाया है इन्फोसिस को, मतलब इन्फोसिस का CEO को मिस्टर सलील पारिक को, ऑन 23 अगस्त 2021, मतलब कल की डेट पे, मंडे के दिन, एज द न्यू IT पोर्टल कंटिन्यूज टू सी ग्लिच, मतलब जो प्रॉब्लम हो रहा था पहले जो IT डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसके अंदर सेम टू सेम प्रॉब्लम दोस्तों आज की डेट पे हो रहा है। लगभग 1.5 महीना हो गया उसको लॉन्च हुआ, बट उसके अंदर दोस्तों कोई भी इंप्रूवमेंट या उस जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्वीट खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया की तरफ से आया है, इन्फोसिस का जो CEO है, MD CEO मिस्टर सलील पारिक, उनकी तरफ से। इसमें लिखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज सुमंड, मतलब बुलाया है सलील पारिक MD एंड CEO, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इन्फोसिस का, 23 अगस्त 2021, मतलब कल की डेट पे, टुमारो, टू एक्सप्लेन करने के लिए टू ऑनरेबल FMS, मतलब जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, एज टू वाई इवेंट आफ्टर 2.5 मंथ, मतलब 2.5 महीने हो गया जो ये जो IT पोर्टल का न्यू जो ई फाइलिंग का जो पोर्टल है उसमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, 2.5 महीने हो गया उससे कोई भी अभी रिसॉल्व नहीं कर पाया, ऐसा क्यों? मतलब उनको थोड़ा सा यहाँ पे जवाबदेही करने के लिए बुलाया है कल की डेट पे। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए इन्फोसिस जैसा एक मल्टीनेशनल कंपनी, कोई छोटा कंपनी तो नहीं है इंडिया का, एक मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी IT सेक्टर का कंपनी के लिए दोस्तों कोई बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट नहीं था। बेसिकली अगर देखा जाए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्फोसिस हैंडल करते हैं उस टाइप्स का आसपास भी नहीं है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट था। पर उसके बाद भी इन्फोसिस ने लगभग 2.5 महीने लगा दिया ये प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने में, अभी तक भी वो सॉल्व नहीं कर पाया। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली इन्फोसिस का जो आप बोल सकते हो रेपुटेशन, उसके ऊपर डायरेक्टली सवाल आ रहा है। तो जिस कारण हो सकता है कि कल हमें शेयर के अंदर कमजोरी, छोटा मोटा कमजोरी देखने को मिल सकता है। इस बार कोई बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी बायबैक पीरियड के अंदर चल रहा है शेयर। तो जब भी शेयर नीचे गिरेगा तो फिर से मैनेजमेंट बायबैक करके उसे ऊपर की तरफ पंप करेगा।
तो ये तो हो गया न्यूज़ जो अभी अभी बस 1 घंटे पहले ही आया है, उसका इफेक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के अंदर आपका क्या रणनीति, क्या सपोर्ट लेवल, क्या इसका अगला स्ट्रैटेजी हो सकता है आपका। सबसे पहले दोस्तों याद होगा आपको लास्ट कुछ टाइम फ्रेम से मैं आपको सीधी सी बात, उसके पहले मैं आपको बार बार खरीदारी करने का राय दिया था जब शेयर प्राइस 1500, 1450, 1600, इवन 1600, 1650 में भी मैं आपको खरीदारी करने का राय दिया था। बट कुछ टाइम पहले जब इन्फोसिस ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 1750 रुपये के ऊपर, और आज की डेट में उसके आसपास ही शेयर चल रहा है, मैं आपको क्लियर कट मना कर रहा हूँ क्योंकि शेयर देखिए एकदम ओवरबॉट जोन पर लगातार चल रहा है। लगातार ये पूरा अगस्त का महीना अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ओवरबॉट जोन पर ही चल रहा है। जो RSI इंडेक्स निकल के आ रहा है 77.73 का, यानी 70 क्रॉस करके ऊपर चल रहा है, मतलब ओवरबॉट जोन पे। ये तेज़ी स्टार्ट हुआ था, देखिए कहाँ से ये तेज़ी स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ठीक 1550 रुपये के लेवल से, क्योंकि जब ये शेयर ये लेवल को टच किया था 1600 रुपये का लेवल, उसके बाद देखिए हल्का करेक्शन एंड कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला था, एंड ये जो लेवल्स है 1550 उसके ऊपर सपोर्ट मिला था। उसके बाद से देखिए यहाँ से जो बुल रन स्टार्ट हुआ है सीधा सीधा शेयर यहाँ पे टच किया, जो इन्फोसिस का बाईबैक का जो प्राइस रखा गया था मैक्सिमम प्राइस 1750 उसी लेवल पे। तो बेसिकली उसी लेवल को अभी क्रॉस कर पाना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा इन्फोसिस के लिए। अब देखना ये है कि कितने दिनों में जो 1750 रुपये का लेवल ये इन्फोसिस क्रॉस करके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज दे पाए। कुछ दिन पहले टच किया था बट वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ऑब्वियसली करेगा क्योंकि वो बाईबैक का मैक्सिमम प्राइस है, तो वहाँ पे जाने के साथ साथ ही हमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर शेयर में गिरावट आता है तो सबसे पहला दोस्तों जो लेवल्स निकल के आ रहा है सपोर्ट का, वो तो है 1700 रुपये का लेवल, क्योंकि आप ध्यान से नोटिस किए जब ये शेयर 1700 रुपये का लेवल ब्रेक करके ऊपर आया, उसके बाद देखिए 1-2 दिन यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने का कोशिश जरूर किया बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। यानी जो सबसे पहला जो हमें क्रिटिकल लेवल निकल के आ रहा है 1700 लेवल, उसके बाद अगर हम कोई लेवल की बात करें तो वो लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लेवल है जिसका नंबर निकल के आ रहा है 1650। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए इन्फोसिस के अंदर, कोई भी शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, शेयर में हल्का करेक्शन होने दीजिए। हल्का करेक्शन जरूर होगा और होगा तो ये अच्छी बात है, ये नहीं कि इन्फोसिस कोई बहुत बड़ा यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, हल्का फुल्का छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताने जा रहा हूँ 680 से ध्यान देना 1700 लेवल, ये लेवल के बीच में अगर आपको इन्फोसिस का शेयर मिले तो धीरे धीरे दोस्तों बिना किसी डाउट के बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी से उठा लेना। बाय ऑन डिप्स मतलब समझ लीजिए कि आप इसी लेवल पर उठाया, समझ लीजिए कि 1690 पे आपने शेयर को पिक किया है, ठीक है, करेक्शन के टाइम पे। कल हो सकता है शेयर और ज़्यादा गिरते गिरते 1620 में आ गया, तो उस लेवल पे आप और कुछ शेयर ऐड कर लेना, इसे बोलते हैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। इसी स्ट्रेटजी से आपको इन्फोसिस के अंदर शेयर को खरीदारी करना है। इस बार दोस्तों उतना गिरावट नहीं आएगा, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता दिया था, याद होगा आपको हर बार मैं हम देखते हैं कि जब भी इसका क्वार्टरली रिजल्ट होता है आउट होता है उसके पहले शेयर में तेज़ी आता है और उसके बाद थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलता है, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता दिया था। आप अगर चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो आपको ये अच्छे से याद होगा, क्योंकि ये शेयर बायबैक पीरियड में अभी चल रहा है, December 24th तक ये चलेगा, और जब तक ये बायबैक पीरियड में चलेगा तो उतना ज़्यादा गिरावट की कोई चांस नहीं है, क्योंकि शेयर जब भी नीचे गिरेगा मैनेजमेंट फटाफट उठाएगा। तो बेसिकली अगर गिरता है तो हल्का फुल्का हमें करेक्शन देखने को मिलता है। जो लेवल्स मैंने आपको बताया वो लेवल्स को आपको ध्यान में होना चाहिए, 1680 से 1700 लेवल्स, इसी बीच में आपको धीरे धीरे शेयर को पिक करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तब देखना यही शेयर आपको कितना बढ़िया रिटर्न कमा के देगा। तो अगर हम बात करें लास्ट डे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा लास्ट डे भी दोस्तों इन्फोसिस का मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो बायबैक वो किया था, देखिए 20 अगस्त जब फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन हुआ था, क्योंकि हर रोज़ बायबैक कर रहा है, बायबैक ले रहा है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक मतलब ऑलरेडी बायबैक हो गया था, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में दिखा रहा है ये टोटल जो क्वांटिटी है, और हर रेगुलर बेसिस पे चाहे 18 अगस्त की अगर हम बात करें, चाहे यहाँ पे हम 17 अगस्त की बात कर देंगे, हर रोज़ जो रिपोर्ट आ रहा है उससे हमें बायबैक साफ साफ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं अभी कल कैसा रिएक्ट करता है इन्फोसिस का शेयर, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।